चिट्ठी पढ़ के नरसी जी की भई कापण लागी काया मनसा मलने टोटे में मेरा जिगर दुखाना चाहया कर्जे की खातिर पगड़ी मेरे पाया में धरते थे मेरे पाया में धरते थे हो कई कई नौकर नोट सिमाने बोरों में भरते थे तेरे जैसे सेठ पास में वो बैठन से डरते थे मेरे बैठन से डरते थे मेरी कंगाली में हंसी करे और कंगाली में हंसी करे पर वादा लिख भिजवाया बरसा मले टोटे में मेरा जिगर दुखाना चाया जिगर दुखाना चाया पचास रुपए हमारी आदरणीय माता जी वो भी इस भजन पर खुश होकर दे रही हैं बार बार धन्यवाद करते हैं सभी दानीदाताओं के लिए ये हमारे भाई साहब अजीत यादव जी वो भी 100 रुपए से आशीर्वाद दे रहे हैं भाई के लिए बार बार धन्यवाद करते हैं ये 7 लाइन मैंने इस धार्मिक भजन की गई है उस भगवान की लीला की शुरुआत की है अच्छी लगी हो सच्ची लगी हो बढ़िया लगी हो मेरे भगवान स्वरूपी श्रोताओं को तो एक बार ताली मार के बता दो जी पीछे तक जोरदार ताली बहुत बहुत धन्यवाद जी हाँ हेलो ये बबलू जी सनोज राजपाल जी 50 रुपए भजन पार्टी को देते हैं धन्यवाद भाई बहुत धन्यवाद जी सभी दानीदाताओं के लिए यूं कहता है कि भाई काशिद जाके अपने सेठ से कहना जाके अपने सेठ से कहना कि नरसी जरूर आएगा क्योंकि मुझे विश्वास है किसी ने कहा मानो तो देव ना तो भीत का लेव मुझे विश्वास है मेरे ठाकुर पर मैं भात देने जरूर आऊंगा जैसा भी बनेगा दे के आऊंगा क्या लिखा भला ओ कह देना मनसा मन से नरसी हर की दिया वेगा मेरे संग में सावल सा बनके भात छावेगा बनके भात छावेगा मैं जो जो चीज लिखी सारी गिन गिन के पकड़ावेगा हीरे मोती कनी मनी पटड़े पे छलकावेगा पटड़े पे छलकावेगा ओ उस मालिक श्री कृष्ण ने भाई उस मालिक श्री कृष्ण ने कितनों का अहम घटाया मनसा मल्ले टोटे में मेरा जिगर दुखाना चाया जिगर दुखाना चाया बहुत अच्छा जी तेरी माया तू ही जाना यूं बताया सजनों के दिन के बाद रात सुबह के बाद शाम दुख के बाद सुख का आगमन होता है आज नरसी जी सोच रहे हैं कि भाई मनसामल मैंने तो न्यू सोची थी कि 2 घर 1 हो गए लेकिन तैने तो आज मेरी हंसी करने के लिए ये परवाना भेज दिया जबकि तुझे पता था कि मैं जंगल में झोपड़ी बना के गुजर करता हूँ ये नवीन चौरेड़ जी 50 रुपए भजन पार्टी को देते हैं
गाने से कुछ बहुत बहुत धन्यवाद सभी दानीदाताओं के लिए। क्या तुझे पता था मैं जंगल में झोपड़ी बना कर रहता हूँ, लेकिन फिर भी आज तने चिट्ठी भेज दी। क्या लिखा तीसरी बात में, कैसे बना ये दुनिया हो के जानिया, दुनिया हो के जानिया, ना दिल की ना चंदी। संत महात्मा सबकी सुनते खोटी अकरी मंदिर है, खोटी अकरी मंदिर। ओ धन के मत में अंधा हो रहा, मन सा मन मेरा समझी। कह देना मेरी बेटी से ना ख्याल कर हर नंदी, ख्याल कर हर नंदी। भाई ठीक टाइम पे आलेगा, ठीक टाइम पे आलेगा, जिसने यो जगत रचाया। जिगर दुखाना चाहया, आखिरी बात में उस कासिद को चिट्ठी पकड़ा दी और उस पर लिख के भेज दिया कि जा और जाके दे देना। लेकिन उससे पहले अतिथि देव भवे की संस्कृति हमारे भारतवर्ष की है। सजनों, नरसिंह जी के घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, जंगल में गए और बथुआ तोड़ने के लिए काम शुरू कर दिया कि मैं बथुआ को उबाल के नमक लगा के दे दूंगा कि भाई ये तेरे लिए खातिरदारी में है। सजनों, यही प्रसाद है। आखिर जब तक कि नरसिंह जी बथुआ लेने जा रहे हैं, कासिद को समझा रहे हैं, बांके बिहारी लाल ने स्वर्ण बर्तनों में उस कासिद को भोग लगवाया, उसको प्रसाद खिलवाया, लेकिन फिर भी नरसिंह ने एक बात और कही आखिरी बात में, कैसे भला हबी। थोड़ी देर बैठना ही के तोड़ के बथुआ लाऊं रे, तोड़ के बथुआ लाऊं। मैं तेरे सामी हरी नाम का ऐसा भोग लगाऊं, जो बन जागा दे दूंगा पर नेक तेरा निमटाऊं रे, नेक तेरा निमटाऊं। उस ब्रह्मपाल ने सब कुछ पा लिया,